वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम इन्वर्टिबल फंक्शन को पढ़ेंगे। कब एक फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, कब उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है, हम इसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट एफ एक्स टू वाई बी ए वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। ये जो है हमारा वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। देयर एग्जिस्ट देन ए फंक्शन एफ इनवर्स वाई टू एक्स विच एसोसिएट्स Each y belongs to y to a unique x belongs to x such that fx is equal to y is the inverse ऑफ एफ एक्स टू वाई। इसको एफ एक्स टू वाई का क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे। मतलब समझो कि क्या कह रहा है कि पहली बात तो हमने जो एफ एक्स टू वाई है वो हमारा वन वन एंड ऑन टू फंक्शन है। दूसरा, अगर जैसे हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम एक्स टू वाई, तो इनवर्स का मतलब है कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर पाए फ्रॉम वाई टू एक्स, तो वो होता है उसका इनवर्स। अब आप देखो कि मान लो यहां पर एक्स है और फंक्शन में रखने पर वो एफ एक्स यानी वाई बन जाता है, तो एफ इनवर्स जो है वो एक फंक्शन है जो यहां से यहां डिफाइंड है, और एफ इनवर्स के अंदर आप अगर वाई रखोगे तो आपको एक्स मिल जाएगा। तो इस एफ इनवर्स को हम इसका इनवर्स फंक्शन कहेंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स कि एक्स रखने पर वाई मिल रहा है, एक ऐसा फंक्शन जिसमें वाई को रखें और एक्स से एसोसिएट हो तो उसको हम इसका इन्वर्टिबल फंक्शन कहेंगे। सच दैट कि जो एफ एक्स है वो वाई है इफ एंड ओनली इफ, यदि आप एफ इनवर्स में वाई रखोगे तो वो एक्स के बराबर आपके पास आना चाहिए। इसकी आप एक और डेफिनेशन लिख सकते हो, लेट एफ एक्स टू वाई बी ए फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, यहां पर एक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जी वाई टू एक्स सच दैट की जो गॉफ ऑफ एक्स है वो एक्स यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आए, एंड फॉग ऑफ वाई आप निकालो तो वो वाई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वाई के बराबर आए। कि एफ एक्स टू वाई एक फंक्शन है और जी वाई टू एक्स जो फंक्शन होगा, मतलब देखो डोमेन को डोमेन, ये एक्स टू वाई था, ये वाई टू एक्स एक फंक्शन, अगर गॉफ और फॉग दोनों ही आपके क्या आए, आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ जाएं, तो जो जी है इज द इनवर्स ऑफ एफ, देन जी इज द इनवर्स ऑफ एफ। तो जो एफ है, जो जी है वो एफ का इनवर्स फंक्शन हो जाएगी, या आप कहेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जैसे मैं एक फंक्शन ले लेता हूं, लेट एफ
आर टू आर हमने एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और मुझे इसका इन्वर्टिबल फंक्शन निकालना है। तो एफ एक्स को आप वाई के बराबर लेंगे, वी हैव टू पुट दिस एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। सो यहां से क्या आएगा, यहां से हमारे पास आएगा, यहां हम करेंगे x प्लस टू इज इक्वल टू वाई, यानी यहां से x की वैल्यू आ गई y माइनस टू। जो x है वो किसके बराबर होता है, f इनवर्स y के। तो यहां से आप इसे f इनवर्स y मान लो, या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग g मान लो। तो मैं इसको जी वाई मान लेता हूं, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस टू। अब हम इस जी वाई को इसका ही इनवर्स कह देंगे, कब, जब गॉफ और फॉग दोनों आइडेंटिटी आ जाएं। तो हम निकाल लेते हैं गॉफ ऑफ एक्स, तो ये आ गया जी ऑफ एफ एक्स दैट इज इक्वल टू जी एफ एक्स, किसके बराबर है हमारा, एफ एक्स इज एक्स प्लस टू। यानी जी में जहां भी आपका वाई है वहां एक्स प्लस टू रख दो। सो एक्स प्लस टू माइनस टू दैट इज एक्स, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट। फॉग ऑफ एक्स निकालेंगे, एफ ऑफ जी एक्स। ओके, देखो वाई भी रख सकते हो एक्स भी रख सकते हो, इससे कोई फर्क वहां नहीं पड़ता। हमें केवल यह दिखाना है कि फॉग अगर एक्स ले रहे हो तो वो एक्स के बराबर आएगा, वाई ले रहे हो तो y के बराबर आएगा, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, बाकी कुछ हमें नहीं दिखाना। तो g y ले लेते हैं, ये आ गया y माइनस टू। अब f में जहां भी x है वहां y माइनस टू रख दो, y माइनस टू प्लस टू दैट इज y विच इज i y। सो दिस g इज द इनवर्स ऑफ दिस f, या फिर कह सकते हो कि जो F इनवर्स y है वो आपका y माइनस टू होगा, और अगर इसको x में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो F इनवर्स x इज इक्वल टू x माइनस टू। अब इस पर ही कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हमें लिखने हैं जो आपको पता होने चाहिए। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन exist if and only if the function is one one and onto। किसी भी फंक्शन का जो इनवर्स है वो केवल तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन वन वन एन ऑन टू है। मतलब अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए तो उस फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू होना पड़ेगा। अगर वो वन वन एंड ऑन टू नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, जरा देखो, जैसे मैं एक फंक्शन मान लेता हूं, जैसे वन टू थ्री, यहाँ पे वन टू, ये इससे मैप कर रहे हैं, ये इससे मैप कर रहे हैं, दिस इज एक्स टू वाई, एफ डिफाइंड है। अब एफ वाई टू एक्स, एफ वाई टू एक्स जो है वो इसका इनवर्स होगा, तो यहाँ पे है वन टू, केवल क्या चेंज आएगा कि आपकी पोजीशंस इनकी चेंज हो जाएंगी, वन इससे मैप करेगा। अब जरा चेक करो कि वन एलिमेंट यहां के दो एलिमेंट से मैप ही नहीं हो सकता है, मतलब ये तो फंक्शन की ही डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर आप यहां कोई एलिमेंट छोड़ देते हो दैट इज थ्री, तो वो यहां पे रह जाएगा, और यहां कोई एलिमेंट खाली भी नहीं रह सकता है। मतलब अगर यहां का दो एक से मैप कर रहा है, वन वन नहीं है तो भी वो फंक्शन नहीं बनेगा उसका इनवर्स, और अगर यहां कोई एलिमेंट रह गया तो भी उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर इनवर्स को एग्जिस्ट करना है तो फंक्शन को वन वन एंड ऑन टू होना पड़ेगा, तभी उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिखेंगे, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज
बाइजेक्टिव, या फिर कह सकते हो कि बाइजेक्शन, मतलब एक बाइजेक्टिव फंक्शन जो 1-1 on 2 है उसका इनवर्स जो आपको मिलेगा वो भी 1-1 on 2 या फिर बाइजेक्टिव ही होगा। थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक, कि जो आप इनवर्स निकालते हैं किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का वो आपको यूनिक मिलता है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी फंक्शन के आपके दो या उससे ज़्यादा इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएं, तो वहाँ पे जो उनका इनवर्स होता है वो यूनिक होता है। पहले हमने यहाँ इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशंस पढ़ी, जो डेफिनेशन आपको कन्वीनियंट लगे उसके साथ जाइए। दूसरा हमने पढ़ा एक नेसेसरी कंडीशन कि जब फंक्शन हमारा 1-1 on 2 होगा तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। बाइजेक्टिव फंक्शन का बाइजेक्टिव ही क्या होता है, इन्वर्स होता है, और जो इन्वर्स होता है वो हमारे पास यूनिक होता है। क्वेश्चन 1 देखिए, लेट s इज इक्वल टू 1-3 डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ एस टू एस, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है डिफाइंड एज बिलो हैव इनवर्स। हमें पहले तो ये चेक करना है कि जो नीचे ये फंक्शंस दे रखे हैं इनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो हमें वो निकालना है। अब किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन 1-1 on 2 हो। अगर वो फंक्शन 1-1 on 2 है तो उसका इनवर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है। तो आप मैपिंग से इसे चेक कर लेंगे। देखिए हम यहाँ मैपिंग बना लेंगे, दिस इज एस, दिस इज एस, और यहाँ पर ये एफ डिफाइंड है, यहाँ पर है 1-2-3, 1-2-3। यहाँ पे जो 1 है वो किससे मैप करता है, 1 से। 2 किससे मैप करता है, 2 से। 3 किससे मैप करता है, 3 से। आप चेक करो कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिल रही है, सो एफ इज 1-1, और यहाँ के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल रही है, सो ऑन टू। आप लिखोगे कि यहाँ एफ 1 जो है वो 1 है, एफ 2 जो है वो 2 है, और एफ 3 जो है वो 3 है। एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज, तो उसकी एक यूनिक इमेज है, सो एफ इज 1-1, तो एफ जो है वो 1-1 है। प्लस यहां के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल रही है, सो एफ इज ऑन टू। आप लिखेंगे फॉर एवरी एलिमेंट, या फिर आप लिखें एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव अ प्री इमेज, क्या है उसकी एक प्री इमेज है, सो एफ इज ऑन टू। तो जो वो एफ है हमारा वो ऑन टू है, हैंस एफ इज इन्वर्टिबल, यानी कि जो एफ है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो 1-1 भी है और ऑन टू भी है, इन्वर्टिबल है। अब ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स निकालना है, सो एफ इनवर्स इज इक्वल टू, कुछ नहीं करना केवल डोमेन को बदलना होता है, मतलब 1-1 तो इसका रिवर्स कर दो। अब यहाँ पर तो फंक्शन सेम ही आएगा क्योंकि उसका जब आप रिवर्स करेंगे तो भी सेम ऑर्डर्ड पेयर दिखाई देगा। सेकंड को चेक करते हैं, तो इसके लिए भी आप मैपिंग बना के देख लो, यहाँ पर s, यहाँ पर s, यहाँ से यहाँ f है 1-2-3, 1-2-3। 1 किससे मैप करता है, 2 से। 2 किससे मैप करता है, 1 से। और 3 किससे मैप करता है, 1 से। आप चेक करो तो यहां के दो एलिमेंट के लिए एक इमेज मिल रही है, मतलब f इज नॉट 1-1, तो जो f है वो 1-1 नहीं है, तो ये इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। ऑन टू के लिए भी चेक कर लो,
कि थ्री के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, सो नॉट ऑन टू. आप लिखोगे एफ टू इज इक्वल टू वन, एफ थ्री इज इक्वल टू वन. आप बोलेंगे टू एंड थ्री हैव द सेम इमेज, सो एफ इज नॉट वन वन. तो जो एफ है हमारा वो वन वन नहीं होगा. एंड नाउ आप बोलेंगे थ्री बिलोंग्स टू एस कोडोमेन, जो थ्री है आपका डू नॉट हैव अ प्री इमेज, कि इसकी क्या है कोई प्री इमेज नहीं है, सो एफ इज नॉट ऑन टू. तो आप कह दोगे एफ इज नॉट इन्वर्टिबल, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है. अब आप देखो, आप बोले सर क्या दोनों को दिखाना जरूरी है? नहीं है जरूरी. आप केवल यहां पर भी कह सकते हैं कि एफ इज नॉट इन्वर्टिबल. दोनों होते हैं तभी उसका जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. थर्ड को देखते हैं. थर्ड के लिए मैपिंग बनाएंगे. एस एस यहां से यहां एफ डिफाइंड है, वन टू थ्री, वन टू थ्री. वन मैप करेगा थ्री से, दैट इज थ्री करेगा टू से और टू करेगा वन से. अब चेक करो तो हर एलिमेंट के पास क्या है? यूनिक इमेज है. और यहां के हर एलिमेंट के पास क्या है? एक प्री इमेज है. तो ये वन वन भी है, ऑन टू भी है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा. आप क्या बोलोगे? एफ वन इज इक्वल टू थ्री, एफ टू इज इक्वल टू वन, एंड एफ थ्री इज इक्वल टू टू. सो आप बोलेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज. क्या है कि उसकी एक यूनिक इमेज है, सो एफ इज वन वन. तो जो f है आपका वो वन वन होगा. एंड नाउ इसके बाद लिखेंगे आप एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव ए प्री इमेज. क्या है कि उसकी एक प्री इमेज है, सो f इज ऑन टू. अब आप चेक करो कि f जो है वो वन वन है, ऑन टू है. आप बोलेंगे हैंस एफ इज इन्वर्टिबल, हैंस एफ इज इन्वर्टिबल. और अगर एफ इन्वर्टिबल है तो एफ इनवर्स भी आप निकाल देंगे, केवल इनका रिवर्स करना है. थ्री कॉमा वन ये हो जाएगा टू कॉमा थ्री एंड वन कॉमा टू. तो अगर वो वन वन ऑन टू होता है तो ही उसका इनवर्स यहां पर एग्जिस्ट करेगा. क्वेश्चन टू देखिए. इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी एंड एफ कॉरस्पॉन्ड टू द कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब वो कह रहा है कि जो एफ है वो आपका यहां पर है ए कॉमा बी, बी कॉमा डी, सी कॉमा ए एंड डी कॉमा सी, ये एफ है. वो कह रहा है शो दैट एफ इज वन टू वन फ्रॉम ए ऑन टू ए, आल्सो फाइंड एफ इनवर्स. हमें ये शो करना है कि जो एफ है वो वन वन है, ऑन टू है, एंड वो वन वन ऑन टू है तो इन्वर्टिबल होगा, और वो इनवर्स हमें उसका निकालना है. आप इसके लिए मैपिंग बना सकते हैं. यहां पर, यहां पर है आपके पास ए और यहां पर भी है ए, दैट इज ए बी सी डी. यहां पर भी ए बी सी डी. ए किससे मैप कर रहा है? बी से. बी किससे मैप कर रहा है? डी से. सी कर रहा है ए से एंड डी कर रहा है सी से. आप चेक करो कि हर एलिमेंट की क्या मिल रही है? एक यूनिक इमेज मिल रही है, सो एफ इज वन वन. और यहां के हर एलिमेंट के लिए हमें एक यूनिक प्री इमेज मिल रही है, सो एफ इज ऑन टू. तो जो एफ है वो ऑन टू होगा.
अब आप समझो इसी को लिखोगे कि एफ ए इज इक्वल टू बी, एफ में बी पुट करोगे तो डी मिलेगा, एफ में सी पुट करोगे तो ए मिलेगा, एफ में डी पुट करोगे तो सी मिलेगा। अब बोलेंगे एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव अ यूनिक इमेज, उसके पास क्या है, हर किसी के पास अलग अलग या फिर यूनिक इमेज है, सो एफ इज वन वन, तो जो एफ है हमारा वो वन वन होगा। अब आप लिखोगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव ए प्री इमेज, की क्या है उसके पास क्या है, एक प्री इमेज है, सो एफ इज ऑन टू, यानी जो एफ है हमारा वो ऑन टू है, हैंस एफ इज इनवर्टिबल, तो जो एफ है हमारा वो इनवर्टिबल होगा। और एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, केवल यहाँ जो एलिमेंट है उनका रिवर्स कर दो, सो बी कॉमा ए, डी कॉमा बी, ए कॉमा सी एंड सी कॉमा डी इज योर एफ इनवर्स। तो सिंपल था, पहले वन वन दिखाना था, फिर ऑन टू, एंड वन वन ऑन टू होता है तो वो इन्वर्टिबल होगा और इनवर्स आप निकाल सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन थ्री देखिए, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग वेयर एफ आर टू आर इज डिफाइंड एज। तीन क्वेश्चंस हैं और तीनों को हमें पहले वन वन दिखाना पड़ेगा, ऑन टू दिखाना पड़ेगा, एंड देन आप कह पाओगे कि इसका इनवर्स क्या होगा। अब ऐसा फंक्शन होता है जिसमें एफ आपको बना बनाया दे रखा हो, वहाँ तो आप मैपिंग के आधार पे कह सकते हो, बट अगर फंक्शन ऐसे आ जाए तो आप कैसे उसको वन वन और कैसे उसको ऑन टू दिखाओगे। ज़रा चेक करें कि हम क्या करते हैं, डोमेन से दो एक्स वन एक्स टू लेंगे, एक्स वन की इमेज होगी एफ एक्स वन और एक्स टू की इमेज होगी एफ एक्स टू। हम इन दोनों को ऐसे मानेंगे कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू बराबर हैं और फिर हम वहाँ से अंदर से रिजल्ट निकालेंगे कि एक्स वन और एक्स टू दोनों बराबर आ गए हैं, तो एफ वन वन हो जाएगा, क्योंकि अगर ये बराबर हो गए एक बन गए और ये भी एक बन गए तो हर एलिमेंट की यूनिक इमेज हो गई। दूसरा फिर हम कहेंगे कि यहाँ के हर एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एक प्री इमेज मिल जाएगी, तो वो ऑन टू हो जाएगा और फिर हम उसका इनवर्स निकालें। तो पहले हम करते हैं 4 1 1 1 1 के लिए आप करेंगे, लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट, कि जो एफ एक्स वन है वो एफ एक्स टू के बराबर है। अब आप एफ एक्स वन निकाल लो यहाँ से, तो वो आएगा एक्स वन माइनस सेवन, एफ एक्स टू आएगा एक्स टू माइनस सेवन, माइनस सेवन से माइनस सेवन, विच इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। हमने एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर लिया और एक्स वन एक्स टू के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे सो एफ इज वन वन, तो जो एफ है हमारा वो वन वन होगा। फोर ऑन टू हम इसे करेंगे, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स को वाई के बराबर लेते हैं, यहां से आ गया एक्स माइनस सेवन इज इक्वल टू वाई, और इसको इधर ले आओ, एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस वाई। जरा चेक करो कि वाई की कोई भी रियल वैल्यू रख लो, भाई जो कोडोमेन है वो रियल है और डोमेन भी रियल है, तो यहाँ से आप y की इसमें कोई भी वैल्यू रखो, आप y की किसी भी वैल्यू को रखोगे तो जो x है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो y हैं उनके लिए आपको एक x मिल जाएगा और वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। आप बोलेंगे बिलोंग्स टू रियल
डोमेन, डोमेन के रियल नंबर से आपके पास वो है। अब बोलेंगे फॉर एवरी वाई, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, कि यहां के y के लिए मुझे एक प्री इमेज मिलती है x इज इक्वल टू 7 प्लस y बिलोंग्स टू आर डोमेन, और वो किस तरीके से कि सच दैट fx इज इक्वल टू, अब यहां फंक्शन में x की जगह ये वैल्यू रख दो तो ये आएगा x की जगह 7 प्लस y और यहां माइनस 7 इज इक्वल टू y, सो f इज ऑन टू, तो f क्या हो गया हमारा ऑन टू हो गया, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए क्या मिल रही है एक प्री इमेज मिल रही है। अब ये 1 1 है ऑन टू है, सो f इज इनवर्टिबल, तो जो f है हमारा वो इनवर्टिबल है। अब आप इनवर्स निकालोगे टू फाइंड f इनवर्स, कोई बहुत ज़्यादा टफ टास्क ये नहीं है। क्या करते हैं एफ एक्स को y के बराबर रखते हैं, तो यहाँ से जो x माइनस 7 इज इक्वल टू y, x की वैल्यू मिल गई 7 प्लस y, और जो x है हमारा वो क्या होता है f इनवर्स y होता है, तो y की टर्म्स में f इनवर्स मिल गया। अगर आप इसे x की टर्म्स में निकालना चाहते हो तो केवल वेरिएबल को चेंज कर दो, सो f इनवर्स x इज इक्वल टू 7 प्लस x आ गया। तो पहले हमने दिखाया कि वो 1 1 है, फिर दिखाया कि वो ऑन टू है और वो इन्वर्टिबल हो गया, उसके बाद हमने उसका इन्वर्स यहाँ पर निकाला है। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, जहाँ पर जो एफ एक्स है वो है हमारा 1 माइनस 9x, तो इसको भी 1 1 दिखाने के लिए हम डोमेन से दो एक्स वन एक्स टू लेंगे, उनकी इमेज हमें एफ एक्स वन एफ एक्स टू मिलेगी, और हम यहाँ पर एफ एक्स वन को एफ एक्स टू के बराबर मानेंगे और यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे कि एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो जो हमारा फंक्शन है वो 1 1 हो जाएगा। लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर सच दैट, कि जो एफ एक्स वन है वो एफ एक्स टू के बराबर है। एफ एक्स वन है हमारे पास 1 माइनस 9x1, एफ एक्स टू है 1 माइनस 9x2, माइनस 9x1 इज इक्वल टू माइनस 9x2, यहाँ ये कैंसिल हो गया, विच इम्प्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, सो एफ इज 1 1, तो यहाँ जो एफ है वो 1 1 हो गया। फोर ऑन टू आप इसे करोगे तो ऑन टू के लिए आप एफ एक्स को वाई के बराबर मानेंगे, तो 1 माइनस 9x इज इक्वल टू वाई, माइनस 9x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, एंड एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन 9, ये माइनस 9 इधर जाएगा और माइनस से इसका सिंबल चेंज हो गया, ये आपका एक रियल नंबर है इन द डोमेन। मतलब आप y की कोई भी रियल वैल्यू ले लो, यहाँ से आप y कोई भी रियल ले लो, आपको एक x यहाँ पर मिल जाएगा, सो आप कह सकते हैं कि ये ऑन टू है। आप बोलेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कोडोमेन फ्रॉम कोडोमेन देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, यहाँ पर एक प्री इमेज एग्जिस्ट करती है सच दैट, कि यहाँ पे एक प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी सच दैट x इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन 9 बिलोंग्स टू आर डोमेन, डोमेन के अंदर x टाइप की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है सच दैट एफ एक्स, इसको यहाँ पुट कर दो 1 माइनस 9 इंटू 1 माइनस y अपॉन 9, 1 माइनस -1 प्लस y, सो इज इक्वल टू y, तो ये f हमारा क्या हो गया ऑन टू हो गया, सो f इज ऑन टू।
टू फाइंड एफ इनवर्स, हम एफ इनवर्स यहां पर निकालते हैं। तो जरा चेक करें कि एफ एक्स को हम वाई के बराबर लेंगे, जो एफ एक्स है हमारा 1-9x इज इक्वल टू वाई, तो एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी 1-y/9। जो एक्स है हमारा वो होता है एफ इनवर्स वाई, यानी 1-y/9। अगर आप चाहें तो इसे एक्स की टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, सो 1-x/9 हमारे पास आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट हम करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ 4-1-1 करेंगे। आप चेक करो कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी। फंक्शन जो है वो आपका डिफाइंड होगा कहाँ से, R-1-2। यहाँ पे आप इसमें y निकालेंगे, जब इसको y के बराबर लोगे तो इज इक्वल टू x-1/xy-y इज इक्वल टू x+1 इधर ले जाइए। सो x(y-1) इज इक्वल टू 1+y, यानी y भी जो है वो 1 नहीं हो सकता। सो R-1 to R-1 यहाँ पे होगा, या फिर आप ऐसे भी ना लिख करके भी डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ दे रखा है x 1 नहीं हो सकता। 4-1-1 ये हमने कर लिया ताकि हमारी थोड़े नॉलेज में आ जाए। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R-1 डोमेन सच दैट, कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। तो ये आ जाएगा x1+1/x2-1, x2+1, ओके यहाँ भी x1 आएगा, x2-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x1, x2-x1+x2-1, x1, x2+x1-x2-1, ये कैंसिल। यहाँ पे इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 2x1, इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2x2, कैंसिल होके यहाँ से आएगा x1 = x2, सो f = 1-1। तो जो f है वो 1-1 तो है। 4-2, ऑन टू के लिए हम एफ एक्स को y के बराबर लेंगे। एफ एक्स को y के बराबर लोगे तो x+1/x-1 इज इक्वल टू वाई, सो यहाँ से आएगा x+1 = xy-y। इसको इधर ले आओ, x-xy इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x-xy, इधर जाके -y-1, यहाँ से कॉमन ले लिया 1-y - y+1, सो x = y+1, ये डिवाइड में आएगा और माइनस से हमने इसका सिंबल चेंज कर दिया। तो यहाँ आप चेक करें कि हर एक y के लिए यहाँ पे जो रियल नंबर्स में है, हमने बताया कि यहाँ 1 नहीं है आपका, हमने अभी निकाला कि y जो है वो 1 नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए x जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो 1 तो हम यहाँ रख नहीं सकते। आप लिखोगे 4y = 1, x इज नॉट डिफाइंड, तो जो x है वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब आप बोलोगे कि 1 के अलावा हर किसी के लिए ये आपका एक रियल नंबर होता है फ्रॉम डोमेन, डोमेन के अंदर मिल जाएगा। आप लिखोगे कैसे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R-1 देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज, हमारे पास एक प्री इमेज आएगी सच दैट x = y+1/y-1 बिलोंग्स टू द डोमेन, डोमेन से सच दैट। आप इसको फंक्शन में पुट करेंगे, यहाँ फंक्शन में पुट कर देंगे fx = इसको फंक्शन में पुट कर दीजिए x की जगह, सो y+1/y-1 यहाँ आ गया प्लस का 1,
y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, यहाँ आ गया माइनस का वन। एलसीएम ले लो तो y माइनस वन, y प्लस वन प्लस वाई माइनस वन अपॉन y माइनस वन, सो y प्लस वन माइनस वाई प्लस वन, ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2y अपॉन 2 इज इक्वल टू y, सो f इज ऑन टू। तो जो f है हमारा वो ऑन टू भी हो गया, वो 1-1 भी हो गया। अब हम f इनवर्स निकालते हैं, टू फाइंड f इनवर्स। तो f इनवर्स निकालने के लिए हम fx को y के बराबर रख देंगे, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो होगी y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन। एक्स जो है हमारा वो f इनवर्स y होता है, सो y प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन, विच इम्प्लाइज कि आप f इनवर्स x लिख सकते हो x प्लस वन अपॉन x माइनस वन। तो कोई खास चेंज यहाँ पर नहीं है, सेम मेथड से आपको सारे क्वेश्चंस में प्रोसीड करना है। क्वेश्चन फोर देखिए, कंसीडर एफ आर टू आर, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन है आर, को डोमेन है आर। गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3, देन शो दैट कि f जो है वो इन्वर्टिबल है। फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो 1-1 एंड ऑन टू दोनों होगा, तब हमारा जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होता है। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, और हमें f का इनवर्स भी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको 1-1 दिखाएंगे, 4-1-1 1-1 दिखाने के लिए हम इसकी डोमेन में दो एलिमेंट लेंगे x1 x2। x1 की इमेज होगी fx1, x2 की होगी fx2, और हम इस तरीके से मानेंगे कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर हो, और यहाँ से हम रिजल्ट निकाल देंगे कि x1 इज इक्वल टू x2। मतलब ये दोनों सेम, तो ये दोनों भी सेम हो गए, तो हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो गई, तो f1-1 हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट, कैसे कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। तो यहां पुट करेंगे 4x1+3 इज इक्वल टू 4x2+3, कैंसिल हो गया, तो यहां से मिला x1 इज इक्वल टू x2। हमने fx1 को fx2 के बराबर लिया, x1 x2 के बराबर मिल गया, सो f इज 1-1। तो जो f है हमारा वो 1-1 हो गया। 4 on 2, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे कि fx को y के बराबर रखेंगे। दिस 4x+3 इज इक्वल टू y, इधर ले जाओ y-3, x इज इक्वल टू y-3/4। आप y की कोई भी रियल वैल्यू लो, आपको ये x मिल जाएगा जो रियल होगा। अब बोलेंगे बिलोंग्स टू आर डोमेन, मतलब को डोमेन में जो हमारे y हैं उनके लिए हमें ये x मिल रहा है जो एक रियल नंबर है। मतलब हर एलिमेंट के लिए मुझे प्री इमेज मिल गई, सो f इज ऑन टू। आप लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R को डोमेन, देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज x इज इक्वल टू y-3/4 belongs to R domain। और किस तरीके से कि fx इज इक्वल टू x में ये वैल्यू रख दूँ fx में, तो ये आ जाएगा 4 into y-3/4+3, y-3+3 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू y, सो f इज ऑन टू, हैंस f इज इन्वर्टिबल। तो जो f है वो इन्वर्टिबल हो गया, बिकॉज वो 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो f हमारा इन्वर्टिबल हो गया। इसके बाद हम
अब निकालेंगे टू फाइंड एफ इनवर्स। एफ इनवर्स हम निकाल देंगे तो क्या होगा, जरा चेक करें। एफ एक्स को वाई के बराबर रखेंगे, इस एफ एक्स को वाई के बराबर रखेंगे, यानी फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी वाई माइनस थ्री बाई फोर। एक्स जो है वो एफ इनवर्स वाई के बराबर होता है, और आप चाहो तो इसे एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज एक्स माइनस थ्री बाई फोर। तो ये हमारे पास एफ इनवर्स यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन फाइव है, शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर इज डिफाइंड बाई इज वन वन एंड ऑन टू। इसे हमें वन वन दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, एंड हमें ये कहना है कि और इसका जो इनवर्स है वो भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो पहले हम इसे वन वन के लिए करते हैं। फोर वन वन, सेम हम दो एक्स वन एक्स टू लेंगे और एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर लेंगे, और एक्स वन एक्स टू के बराबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि एफ इज वन वन। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर डोमेन, हमने डोमेन से मान लिए, सच दैट की जो एफ एक्स वन है वो एफ एक्स टू के बराबर है। अब एफ एक्स वन आप निकालोगे, एफ एक्स टू आप निकालोगे, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, सो यहां से आया टू एक्स वन माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स टू माइनस वन, ये कैंसिल हो गया, टू एक्स वन इज इक्वल टू टू एक्स टू, सो यहां से आप कह पाएंगे एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, एफ इज वन वन। तो जो एफ है वो वन वन हो गया। फोर ऑन टू करेंगे, और ऑन टू करने के लिए एफ एक्स को वाई के बराबर लोगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई। इसको इधर ले आओ, इस वन को इधर ले जाओ, टू को नीचे ले आओ। आप चेक कर लो कि वाई की कोई भी रियल वैल्यू दो, ये जो एक्स है वो भी रियल होगा। आप बिलोंग बोलेंगे बिलोंग्स टू आर डोमेन, मतलब वाई की कोई भी रियल वैल्यू आप लोगे तो जो एक्स है वो भी हमें क्या मिल रहा है, एक रियल नंबर ही मिल रहा है। मतलब हमें कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मिल गई, सो एफ इज ऑन टू। अब बोलोगे फॉर एवरी y belongs to R codomain, there exists a pre-image, यहां पे क्या है उसकी एक pre-image exist कर रही है, such that x is equal to 3y plus 1 by 2 belongs to R domain, और कैसे, such that x की जगह ये value रख दो function में, तो 2 इंटू थ्री वाई प्लस वन बाई टू माइनस वन अपॉन थ्री, यह आ गया 3y प्लस वन माइनस वन अपॉन थ्री, यहाँ पे आ गया 3y बाई थ्री, यानी y के बराबर। सो f इज ऑन टू, तो जो f है हमारा वो ऑन टू है। तो f क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया, क्योंकि वो वन वन भी है एंड ऑन टू भी है, सो f इज इन्वर्टिबल। टू फाइंड एफ इनवर्स हम क्या निकालेंगे, एफ इनवर्स निकाल लेंगे, तो उसके लिए हम एफ एक्स को वाई के बराबर रखेंगे। तो एफ एक्स को वाई के बराबर रख दिया, दैट इज टू एक्स माइनस वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू वाई, और यहां से जब आप एक्स निकालोगे ना तो वो आएगा थ्री वाई प्लस वन बाई टू। ये जो एक्स है वो एफ इनवर्स वाई के बराबर है, तो यहाँ पे 3y प्लस 1 बाई टू, अगर आप चाहो तो इसे x में कन्वर्ट कर सकते हो, 3x प्लस 1 बाई टू बिलोंग्स टू R। तो इस फंक्शन का जो इनवर्स है वो हमने यहाँ पर निकाल दिया है।
पहले फंक्शन को 1 1 on 2 दिखाना है, आफ्टर दैट आप उसका इनवर्स निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, लेट एफ आर माइनस 1 to r-1 डोमेन है रियल नंबर्स, उनमें केवल 1 नहीं है, इज डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। ये फंक्शन है और हमें इसको इन्वर्टिबल दिखाना होगा पहले, मतलब 1 1 on 2 दिखाना होगा, तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा और फिर हम इसका इन्वर्स निकालेंगे तो वो एफ एक्स के ही बराबर आएगा, ये हम शो कर देंगे। मतलब हम डायरेक्टली एफ इन्वर्स निकालेंगे और वो एफ एक्स के ही बराबर आपका आएगा। तो 1 1 के लिए पहले हम इसकी डोमेन से 2 एलिमेंट लेंगे, x1 x2, x1 की इमेज fx1, x2 की इमेज fx2। इस तरीके से लेंगे कि fx1 जो है वो fx2 के बराबर होगा और फिर हम यहाँ से रिजल्ट निकालेंगे कि जो x1 है वो x2 के बराबर है, तो f जो है वो 1 1 हो जाएगा। तो करते हैं हम 4 1 1, लेट x1, x2 belongs to R-1 domain such that कि जो fx1 है वो fx2 के बराबर है। तो fx1 क्या आ जाएगा, x1 upon x1-1, x2 upon x2-1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 -x1, x1 x2 -1 -x2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे -x1 = -x2, तो यहाँ से x1 x2 के बराबर आ गया, सो f इज 1 1। तो जो f है वो 1 1 हो गया। 4 on 2 आप करोगे तो fx को y के बराबर रखेंगे, fx है आपका x upon x-1 = y, इधर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ गया x-xy = -y, यहाँ से x कॉमन लेंगे इधर ले जाएंगे डिवाइड में, तो y अपॉन सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस को अंदर लाएंगे तो बिलोंग्स टू आर डोमेन। ज़रा चेक करो कि कोडोमेन से आप कोई भी y ले लो वो आपको एक x मिल जाएगा, यहाँ y की वैल्यू रखोगे तो आपको एक x की वैल्यू मिल जाएगी जो R-1 में होगी, ये भी R-1 है तो यहाँ पे होगी। मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए मुझे एक प्री इमेज मिल रही है, सो f इज ऑन टू, तो आप लिखेंगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू R-1 कोडोमेन देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज, उसके लिए एक x प्री इमेज हमें मिलती है जो आपका डोमेन में है, सच दैट आप इसे कर सकते हैं fx = ये वैल्यू fx में रख दो, y upon y-1 एलसीएम आ गया y-1, तो यहाँ पे आ जाएगा y-y+1 = y, सो f इज ऑन टू, तो जो f है हमारा वो ऑन टू हो गया। अब नाउ हम निकालेंगे f इनवर्स, f इनवर्स के लिए fx को y के बराबर रखो, तो यहाँ से आएगा x upon x-1 = y, x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y, तो वो आएगी y upon y-1, ये जो x है ये हमारा f इनवर्स y है, दैट इज y upon y-1। अब अगर हमारे पास f इनवर्स y है तो हम f इनवर्स x निकाल सकते हैं, केवल इसके वेरिएबल को हमें क्या करना है, चेंज करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा f इनवर्स x = x upon x-1,
और ये किसके बराबर है, एफ एक्स के ही बराबर है, हैंस प्रूफ। तो हमने दिखा दिया कि जो एफ इनवर्स एक्स है वो एफ एक्स के ही बराबर आपका आएगा। इसके बाद सेवंथ क्वेश्चन देखिए, लेट एफ आर माइनस माइनस थ्री बाई फाइव टू, मतलब डोमेन है उसमें केवल माइनस थ्री बाई फाइव नहीं है एंड कोडोमेन में 2 बाई फाइव नहीं है, इज अ फंक्शन डिफाइंड एज, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ। तो पहले हम इसको 1 1 दिखाएंगे, फिर ऑन टू दिखाएंगे एंड फिर इसका इनवर्स हम निकालेंगे। तो 1 1 के लिए हम दो एक्स वन एक्स टू इसकी डोमेन में से लेंगे सच दैट एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर, और हम वहां से रिजल्ट निकालेंगे कि एक्स वन एक्स टू के बराबर है तो एफ 1 1 हो जाएगा 4 1 1। लेट एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस थ्री बाई फाइव डोमेन सच दैट एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू। तो एफ एक्स वन आपके पास आ जाएगा 2x1 अपॉन 5x1 प्लस 3, 2x2 अपॉन 5x2 प्लस 3, मल्टीप्लाई करो 10x1 x2 प्लस 6x1, 10x1 x2 प्लस 6x2, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 6x1 इज इक्वल टू 6x2, तो कैंसिल हुआ, x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। देखो जरा, हमने fx1 को fx2 के बराबर लिया और x1 को x2 के बराबर हमने दिखा दिया, सो f इज 1 1। नाउ फॉर ऑन टू करेंगे हम इसे, fx को y के बराबर मानेंगे, तो यहां पर है 2x अपॉन 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y, इधर ले जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5xy प्लस 3y, इधर ले आओ 2x माइनस 5xy इज इक्वल टू 3y, यहाँ से x कॉमन लेंगे सो 2 माइनस 5y इज इक्वल टू 3y, इधर ले आओ। अब आप चेक करो कि ये आपका r माइनस माइनस 3 बाई 5 के अंदर होगा। आप y की कोई भी वैल्यू ले लो, केवल 2 बाई 5 तो नहीं है यहाँ पर, आपको ये जो x है वो यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब y जो यहाँ से आएगा उसके लिए आपको एक x प्री इमेज यहाँ मिल जाएगी। तो मतलब कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए आपको प्री इमेज मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है, तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। आप लिखोगे फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू, हर एक वाई के लिए बिलोंग्स टू आर माइनस 2 बाई 5, देयर एग्जिस्ट ए प्री इमेज एक्स इज इक्वल टू 3y अपॉन 2 माइनस y बिलोंग्स टू आर माइनस 3 बाई 5 डोमेन सच दैट, कि आप इसे फंक्शन में रख दो, इस वाली वैल्यू को यहाँ रख दो, 2 इंटू 3y अपॉन 2 माइनस 5y, यहाँ रख दो 5 इंटू 2 माइनस 5y, ओके 5 इंटू 3y अपॉन 2 माइनस 5y प्लस 3। एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 2 माइनस 5y, यहाँ नीचे भी एलसीएम आ गया 2 माइनस 5y, दिस इज 15y, यहाँ पे आ गया 6 माइनस 15y, ये कैंसिल ये कैंसिल, 6y अपॉन 6 इज इक्वल टू y, सो f इज ऑन टू। तो जो f है हमारा वो ऑन टू आ गया, क्योंकि कोडोमेन के हर एलिमेंट के लिए मुझे एक प्री इमेज मिल रही है। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे टू फाइंड एफ इनवर्स। एफ इनवर्स के लिए एफ एक्स को वाई के बराबर रखा, दैट इज 2x अपॉन
5x प्लस 3 को y रखोगे और x की वैल्यू निकालोगे, वो ये आएगी आपकी 3y अपॉन 2 माइनस 5y। ये जो x है आपका वो f इनवर्स y होता है, तो f इनवर्स y आपके पास आ गया 3y अपॉन 2 माइनस 5y। ये y की टर्म्स में है, अगर आप इसे x में कन्वर्ट करना चाहो तो f इनवर्स x जो है वो होगा 3x अपॉन 2 माइनस 5x। दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन।